आज का युवा कल राष्ट्र का अच्छा नागरिक हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रतिभाशील एवं अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुलिस भर्ती में अवसर प्रदान किया जाएगा, योगी आदित्यनाथ। युवक एवं महिला मंगल दल ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखार कर बाहर लाए, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी हरदोई। हरदोई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ में युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित प्रदेश में युवक एवं महिला मंगल दलों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी अविनाश कुमार तथा मुख्य विकास अधिकारी निधि वत्स ने कलेक्ट्रेट स्थित NIC में जनपद के 5 मंगल दल के 5 युवक व 5 युवतियों को खेल सामग्री किट प्रदान की। खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा कल राष्ट्र का अच्छा नागरिक हो सकता है, इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनवाकर खेल किट का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान क्या है सर ये, और किस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया गया था? ये RCD ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भारत सरकार, राज्य सरकार और जो हमारे लिए डेवलपमेंट जो बैंक हैं इनके माध्यम से इसको बनाया गया है। यहाँ पे विभिन्न तरीके के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण से जो लोग आते हैं उनके लिए, ताकि वो रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करके और रोजगार में अपना अपने आप को रोजगार जो बेरोजगारी के जो वो हैं उसे बाहर कर सकें, और यहीं के माध्यम से जो ट्रेंड लोग होते हैं उनको रोजगार भी प्राप्त कराया जाता है। उसी के क्रम में आज यहाँ पर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी स्कीम चालू करी है, वो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट। जो SHG समूह के जो अध्यक्ष हैं या जो समूह के किसी तरीके से हिस्सा हैं, उनका प्रथम चरण में प्रदेश सरकार ने इस तरीके एप्लीकेशन बनाई थी और उनमें से जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखते थे उनका चिन्हांकन किया है। अब उनकी प्रथम चरण की ट्रेनिंग होगी यहाँ पे 35 लोग प्रत्येक 6 दिन तक उनकी ट्रेनिंग चलेगी 2 बैचेस में, और इस जनपद में 1295 लोगों का चिन्हांकन किया गया है। उनको ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के माध्यम से लिया जाएगा, और जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे बैंक सखी की तरह कार्य करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो लोगों को समस्याएं आती हैं, बैंक में असुविधाएं होती हैं, वो उनके घर जाके उसको उपलब्ध कराएंगे। ये प्रदेश सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत बैंक की सारी सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो एक ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट पे जो उनको ऋण मिलता था वो एक सस्ते दर पे वो ऋण प्राप्त कर सकते।